बेवजह खुश रहना सीखिए, क्योंकि वजह बहुत महंगी हो सकती है। खुश रहने की कोई वजह ना हो तो भी खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है प्रसन्नता। मानव की शरीर मिली है, इसलिए कुछ हो या ना हो तो भी खुश रहिए। खुश रहने की ईश्वर की सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्ति है। हर हाल में खुश रहिए, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपके हिसाब से हो रहा हो या ना हो तो भी खुश रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता क्रिएशन। ये मॉर्निंग की टाइम है, बना रही हूँ टी और इधर अंकिता और मैं बैठ गई टी पीने के लिए और दादी माँ को दे दिया। दादी माँ मिल्क टी पीती नहीं है और अभी टी पीने के बाद नहा के रेडी होके मेरा कुछ काम था पर्सनल और मैं जा रही हूँ। ठीक है भाई, गो इनसाइड। ओके, आ गई एक जेरोक्स की शॉप पे, कुछ डॉक्यूमेंट जेरोक्स कर रही हूँ। मेरी कुछ पर्सनल वर्क है इसलिए जेरोक्स करके मैं अभी जाऊँगी। मेरी रूम से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अभी मैं बस पे उठ गई। चलो जाते हैं। और पता है बेंगलोर में ट्रैवल करने के लिए कुछ बस फेयर नहीं लगती है। जिधर भी जाओ फ्री पे ट्रैवल करो। आधार कार्ड रहेगी तो, इधर के एड्रेस की आधार कार्ड रहेगी तो फ्री पे ट्रैवल कर सकते हो। जिधर भी जाना है पूरा बेंगलोर आप फ्री पे घूम सकते हो बस पे। और ये बहुत ही अच्छा है, जो आधार कार्ड है इधर का लोकल एड्रेस की, इधर कर्नाटका के एड्रेस की आधार कार्ड रहने से फ्री पे बस ट्रैवल कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा है। और का वर्क कंप्लीट करके मैं अभी आ गई मेरी रूम को। और इधर हम रेंटेड रूम पे रहते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है। चलो जाते हैं, अंकिता घर पे है। अंकिता मुझे कॉल कर रही थी मेरे लिए क्या लेके आओगे। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तब भी वो बोलती है क्या लेके आओगे। हेलो, आनबोटा की আমি কিছু নিয়ে আসিনি, পয়সা নেই, মানি ডোন্ট হ্যাভ মানি। হ্যাঁ চল, এটা কি, এটা কে এসেছে, সে কে, সে কে পারচেস করেছে, কোথা থেকে, কোথা থেকে, কোথা থেকে আমি জানি না। इधर मेरी दादी माँ लंच कर रही है। लंच कंप्लीट हो गए ऑलरेडी और मम्मी और मैं लंच कंप्लीट नहीं की। अंकिता को मैं खाना खिला के गई थी मिल्क राइस और अभी वो आई क्लोज करके स्टैंड है। मैं क्या लेके आई हूँ वो लेगी ओनली वन, और मैं उसके लिए एक चिप्स का पैकेट और एक कुरकुरे का पैकेट लेके आई। वो पूरा हैप्पी हो गई है। दीदुन पैकेट गिव इट, दिस इज स्पाइसी, गिव इट टू दीदुन। इधर अंकिता को दे दिया एक चिप्स का पैकेट हो रही है। अंकिता चिप्स पकड़ लेके निकल रही है और मैं आ गई किचन पे। मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए खाना सर्व कर रही हूँ लंच। मम्मी भी नहीं खाई और मैं भी नहीं खाई। अभी मैं राइस सर्व कर रही हूँ और क्या बनाया है मेरी मम्मी देखते हैं। आज सैटरडे है, वेज आइटम बनी है और मेरी मम्मी काम से आके लंच प्रिपेयर किया है। देखती हूँ मम्मा क्या लंच बनाए हैं।
वाह कितना टेस्टी सी एक मिक्स वेज बनाया है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगी। सभी मिक्स करके एक वेज बनाया। इधर मिल्क है, मिल्क को गर्म कर लिया, और मेरी मम्मी और मैं, अंकिता की लंच हो गई थी, फिर भी वो बच्चा डिस्टर्ब करने के लिए आ गई है। ओनली वन रेसिपी है आज, लेट हो गई थी, और ले रही हूँ थोड़ा सा ऑनियन राइस के साथ खाने के लिए, और अभी कट कर ले रही हूँ ऑनियन मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए। और इधर अंकिता ने मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरी प्लेट में राइस को इधर उधर कर रही है, और मैं थोड़ा सा आचार लेनी है, इसलिए फ्रिज ओपन करके मैं आचार निकल रही हूँ आचार के डब्बा को। और ये बहुत ही टेस्टी सा आचार है, एक बनाया है मेरे सिस्टर ने गांव से। चल लिया वही सबू वीडियो करी करी की देना पांच मिनट सो फॉलो देना एडवर्टाइज सामने कंपनी वाले ये वीडियो सत्र एडवर्टाइज दो जब सीना माने एडवर्टाइज छड़े देना सही एडवर्टाइज छाड़ला माने को जा देती हूं वीडियो महाप्रभु ना एटा एक स्वीट किया चाहे है सही मैंने तो थोड़ा सा दे दिया हां साइड दो हम खाबो हमारे सीमा को समझते हैं एक मिनट खाने कैसे लग रही है कमेंट पे जरूर बताना फ्रेंड्स। ये कुनी से खाबो देना से खाई छी ये खाऊ जरी भात खेल। अभी लंच करने के लिए बैठ गई हूँ मैं, अंकिता और मेरी मम्मी। अंकिता बैठ गई है लंच करने के लिए मेरे साथ, वो थोड़ा थोड़ा एक वेजिटेबल लेके खा रही है, और दादी माँ की लंच तो कंप्लीट हो गई है, दादी माँ भी रेस्ट कर रही है। और अंकिता को देखो कैसे बदमाशी कर रही है मेरे साथ, ऐसे करके ही हमारे डेली लाइफस्टाइल जाती है अंकिता के साथ। बदमाशी बिजी होके जिस घर पे बच्चा है उस घर पे कब रात होता है कब दिन होती है कभी पता नहीं चलता है, कुछ सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, इतना ऐसे लाइफस्टाइल होती है। इसके घर में बच्चा है उसको तो पता ही है। और देखिए अंकिता कैसे मेरे राइस में इधर उधर सभी सब्जी को दे दिया है, और मम्मी आज नो गार्लिक नो अनियन की एक रेसिपी बनाई है जो बहुत ही टेस्टी था, बहुत जोर भूख लग गई थी और जल्दी जल्दी खाना खा रही है। और इधर अंकिता को देखो क्या खा रही है, खाचो नाम बोलो कुछ, वो अरबी खा रही है, सब्जी में एक अरबी थी उसको बहुत ही पसंद है, अरबी अरबी खा रही है। उनकी टाइम खाना लंच हो गई है, और अंकिता और मैं स्लीपिंग कर रही हूँ।